शुरू करो। ये जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहमान, तू बशेष कर सभी का है, तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बशेष कर ए मालिक। हम इस दुनिया में आए हैं तेरी मर्जी से ए मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली है, तो मैंने आपको दिखाया था, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कैसे की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये कवर साफ किया है, और आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने शक्कर पत्ती की जगह चेंज करके इन्हें नीचे रख लिया है, और ये सारे मसाले के डब्बे हैं जिनमें मैंने इसी प्रकार से भर लिया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले डब्बे में मैंने रखे हैं सारे ड्राई फ्रूट, जो कि इस प्रकार से डब्बे में ऐसे रख दो तो आपको निकालने में इजी होते हैं, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। और इसके बाद है ये मसालेदानी, इसमें मैंने सारे खड़े मसाले रखे हुए हैं, तो दालचीनी, चक्री फूल, बड़ी इलायची, हरी इलायची, मैंने सभी प्रकार के मसाले रखे हैं। और इसके बाद ये इस मसालेदानी में मैंने सारे सूखे मसाले, सौंफ, राई, काली मिर्च, लौंग और मेथी दाना, जीरा, अजवाइन, ये सब रखा है जो कि हमें बेसिक यूज़ में आता है। तो ये छोटी छोटी डब्बी में रखने से अच्छा इस बार मैंने इसे एक मसालेदानी में रख दिया है, जो कि निकालने में इजी रहे। और इसके बाद आपको पता ही है कि मसालों के लिए मैं ये मसालेदानी यूज़ करती हूँ, तो इसमें सारे मैं पिसे हुए मसाले रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से चारों मसाले के डब्बे के ऊपर एक रख दिए हैं, जो आसानी से रख गए हैं और निकालने में भी इजी होते हैं। जो डब्बे मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगती है मैं उनको ऊपर रखा है, और जो कम यूज़ में आते हैं मैंने नीचे रखा है और ऊपर भी। आप देख, इसके बाद मैं आपको अपनी दूसरी सेल्फ दिखा देती हूँ। तो दूसरी सेल्फ में आप देख सकते हैं कलरफुल डब्बे मैंने ऊपर रख दिए हैं, और बिस्किट नमकीन के डब्बे मैंने सारे नीचे रख दिए हैं, क्योंकि अब निक्कू भी बड़ा हो चुका है तो उसे निकालने में आसानी होती है, इसलिए मैंने ये सेल्फ चेंज कर दी है। और लास्ट वाली सेल्फ में आप देख सकते हैं मैंने टिफ़िन, लंच बॉक्स वगैरह रखे हैं, और नीचे सारे ऐसे डब्बे रखे हुए हैं जिनमें कि खाना बचने के बाद मैं स्टोर करके रखती हूँ, जो निकालने में इजी होते हैं। यहाँ पर मिक्सर वगैरह मैंने रखे हुए हैं। चलिए, इसके बाद अब मैं एक ट्रॉली रह गई थी उसे क्लीन कर लेती हूँ।
ट्रॉली मैंने क्लीन कर ली है और आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सारी चम्मच वगैरह सेट कर दी हैं। तो इसमें मैंने छोटी छोटी ये पिंक कलर की बास्केट रखी हुई हैं जिसमें कि मैंने चम्मच और कटोरी अलग अलग रख दी हैं क्योंकि सारी चम्मच ट्रॉली में मिक्स हो जाती हैं फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार छोटी छोटी बास्केट में ये चम्मच और छोटी कटोरियाँ मैंने अलग अलग रखी हैं और सारे खाने बनाने की चम्मच एक तरफ और रख दिया है। इसके बाद अब मेरा फ्रिज रह गया था तो मैं फ्रिज को भी क्लीन कर लेती हूँ। फ्रिज से सारा सामान निकालने के बाद ये जाली वगैरह हैं इनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इन्हें धो लूँगी। सकते हैं फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैं लगा रही हूँ इनमें जाली। इतने में ही मेरा टिक्कू उड़ गया था तो आप देख सकते हैं फ्रिज मेरा पूरा हो चुका है। और फ्रिज को साफ करने से पहले मैंने इसका प्लग निकाल दिया था। जब भी आप फ्रिज वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को साफ करें तो उसका प्लग पहले हटा दें। अब हो चुकी है शाम तो आज शाम के खाने के लिए मैं बना रही हूँ बेसन के आलू। तो ये बहुत ही इजी होते हैं और झटपट बन जाते हैं तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है और तेल ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुछ सूखे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक। इसके बाद पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो आटा गूंथ लेंगे हम। आटे को गूंदने के बाद अब मैं इसकी छोटे छोटे लोई बना लूँगी। तो इसको गोल गोल करके हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो लोइयाँ बनाने के बाद मैंने एक भगोनी में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसमें मैं बनाए हुए ये बेसन के आलू हैं इनको पानी के अंदर ऐड कर दूंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। ये 15 मिनट में ही अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो चलिए आइए अब मैंने एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरी गैस पर मैंने दलिया भूनने के लिए रखा हुआ है। जब भी किचन में मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो साथ में मैं ये ऐसे काम है जो कर लेती हूँ। तो दलिया मेरा भुन रहा है तो जब आलू मेरे जब तक ठंडे होते हैं चलिए मैं रोटियाँ बना लेती हूँ।
तो रोटियां मेरी बन चुकी हैं। चलिए बेसन के आलू भी मेरे ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें मैं एक आलू में से चार चार पीस कट कर लूँगी और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद अब मैं कढ़ाई में डाल के इन्हें सैलो फ्राई करेंगे। तो हम इन्हें अच्छा खासा 5 मिनट इनको फ्राई होने में लगे तो हम अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने फ्राई कर ली हैं। उसी के बाद सेम कढ़ाई में मैंने अजवाइन डाल दिया है और अजवाइन डालने के बाद अब इसमें मैं कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी। तो इसमें मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक ये सब डाल के पानी डाल के ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मसाला भुनने के बाद मैंने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं उसको मैं इस मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो पानी आप अपने इच्छा के अनुसार डालें। तो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी ही डाला है। तो आप देख सकते हैं आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। इसको 2 से 3 मिनट और मैं ढककर पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे बेसन के आलू की सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यही करना चाहूंगी एंड। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर, बाय।